अब भारत की ओर आंख उठाना हो सकती है बड़ी गलती। आ रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। पड़ोसी मुल्क की हुई हवा टाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, S-400 मिसाइल सिस्टम फाइनली इंडिया को मिलने जा रहा है। दोस्तों, रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुसिकन ने शुक्रवार को कहा कि भारत को सभी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की प्रोडक्शन आपूर्ति 2025 तक कर दी जाएगी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि भारत को दी जाने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 22 और 23 मार्च को रूस जाएंगे। उसी दौरान इस चीज़ का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। दोस्तों, आप यह भी जानते हो कि S-400 मिसाइल खरीदने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। हालांकि चीन ने भी रूस से इसे खरीदा है। इस मिसाइल का सिस्टम अपने आप में बेजोड़ है। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ बड़ी बातें जान लेते हैं। इस मिसाइल सिस्टम को ज़मीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। दोस्तों, यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को भी 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इसमें तीन प्रमुख चीज़ें लगी हुई है: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। दोस्तों, इसमें लगा हुआ रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। दोस्तों, S-400 एयर मिसाइल डिफेंस की तुलना अमेरिका की पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से कंपैरिजन की जाती है। दोस्तों, चीन ने इस सिस्टम को पहले ही खरीद रखा है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं है चल पाया है कि इसमें उसने कौन सी मिसाइलें लगा रखी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यह पता होगा कि पहले यह सिस्टम इंडिया को 2020 में मिलना था, लेकिन अब यह 40,000 करोड़ की जो हम 5 रेजिमेंट खरीद रहे हैं S-400 की, दोस्तों अब वो फाइनल हो चुका है। उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और यह हमें 2025 तक पांचों के पांचों सिस्टम मिल जाएंगे। दोस्तों, यह काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए और हम सभी के लिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों,